हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव निशा में आपका स्वागत है। आज हम साड़ी में फॉल किस तरह से आसानी से लगाएंगे वो सीखेंगे। उसके लिए हमने ये फॉल लिया है जिसको हमने वॉश कर लिया है, बाद में प्रेस भी कर लिया है। आप ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट प्रेस करें, इस तरह से या इस तरह से ना करें। इसमें रेव नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारा फॉल अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले फॉल की हम ये साइड को फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से मशीन से कर लेंगे। दोनों साइड को ये फॉल की को हम फोल्ड करने के बाद ये हमको फॉल लगाना है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा अंदर वाला पोर्शन है, यहाँ से हमने इसका ब्लाउज निकाल लिया है। और ये जो हमारी ये वाली साइड है, यहाँ पे आप पीको कर सकते हैं, सिलाई भी कर सकते हैं। तो हम इस पर सिलाई करेंगे। जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, पर ये अंदर ही रहता है पोर्शन, तो ज्यादा दिखता नहीं है। तो आप इसमें सिलाई आराम से कर सकते हैं। साड़ी का बॉर्डर वाला हिस्सा है, इसका जो ये वाला पोर्शन है, इससे कम से कम हम कोई 20 इंच की दूरी लेंगे, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें फॉल लगाना शुरू करेंगे। तो फॉल लगाने के लिए जो हमारी बॉर्डर वाली साइड है, वहाँ पे हमारी मशीन से भी आसानी से लग जाता है, ताकि उसमें हमको तुरपाई ना करना पड़े। ये साइड है साड़ी की और ये हमारा फॉल है। यहाँ पे इसको एकदम बराबर में लेते चलेंगे और यहाँ पर हम पक्की सिलाई के साथ इसको लगा लेंगे, ताकि हमारा फॉल जो है जल्दी लग जाए, आसानी से लग जाए। बाहर नहीं दिखना चाहिए, इसमें सिलाई लगाते चलेंगे। हमारा ये फॉल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इसको पक्का स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे बिल्कुल इक्वल कर देंगे, रेब नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर साड़ी में रेब आ जाएगी। अब हम यहाँ पर मोटे टांके वाली सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये पूरे पोर्शन को हम तुरपाई करेंगे। हाथ से इस तरह से साफ, इस तरह से बराबर करते चलेंगे फैब्रिक को भी और फॉल को भी बराबर करते चलेंगे और फॉल को भी बराबर करते चलेंगे। अगर के देख लीजिए, बिल्कुल साफ, बिल्कुल इक्वल फॉल लगा है इसमें। अब जो हमारा ये वाली कच्ची सिलाई की है, इसमें हम तुरपाई लगाएंगे और ये हमारा साड़ी का फॉल लग के रेडी है। बिल्कुल इजी वे है, आप भी लगाइए और अपनी साड़ी को सुंदर बनाइए।